Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, बॉलीवुड जगत के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक बच्चन परिवार में 5 फरवरी 1976 में जन्मे अभिषेक बच्चन ने 21वीं सदी की शुरुआत के साथ साल 2000 में निर्देशक जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड जगत में बतौर नायक दस्तक दी। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन अभिषेक बच्चन सबकी नजरों में आ चुके थे। अपने पिता और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जैसे नामों से लोकप्रिय अमिताभ बच्चन की अमिट छाप बॉलीवुड जगत में बस नाम ही काफी है, लेकिन अमिताभ बच्चन की शख्सियत के सामने जब अभिषेक बच्चन की तुलना की गई तो इसका सीधा असर अभिषेक बच्चन के करियर पर पड़ा। उनकी हर फिल्म में उनके काम की अमिताभ बच्चन के काम से तुलना करने की कोशिश की गई। बता दें कि फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अभिषेक बच्चन की शुरुआती फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। आलम ये था कि अभिषेक बच्चन की फिल्में रिलीज होती थी और लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगते थे। अभिषेक की कुछ सोलो हिट्स फिल्में थी जिसमें उनके साथ ऐश्वर्या राय साथ थी, जो कि गुरु और बंटी और बबली धूम 2 थी जिसमें अभिषेक ऐश्वर्या ने साथ काम किया। अभिषेक बच्चन प्रो कबड्डी लीग की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के मालिक और इंडियन सुपर लीग की चेन्नई FC को ऑनर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिषेक बच्चन की संपत्ति करीब 215 करोड़ रुपए है। वहीं अभिषेक बच्चन के पास जगुआर, मर्सिडीज, बेंटले और रेंज रोवर जैसी कई लग्जरी गाड़ियां और बांद्रा में एक अपार्टमेंट भी है।